हरियाणा में अब की बार 75 पार का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जा रही है। मनोहर लाल की सरकार दोबारा से सत्ता में वापसी चाहती है और ऐसे में आज यहां से संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, मगर उस संकल्प रथ यात्रा को जो लोग एनर्जी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग यहां पर हमारे साथ में समझने की कोशिश करते हैं। इस रथ यात्रा का मकसद क्या है, कितनी दिनों तक ये रथ यात्रा चलेगी और आप लोगों का योगदान कैसा रहेगा इस पूरी रथ यात्रा के दौरान? इस जन संकल्प संकलन यात्रा से हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश भर की जनता के बीच में सरकार की जो भी रीति नीति रही है, जो भी उपलब्धियाँ रही हैं, उन सबको लेके हम उन लोगों के बीच में पहुँचे और उनको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी क्या विचारधारा लेके चल रही है, क्या हम लोगों ने आगे सिद्ध करके दिखाना है। जिस तरह से सीएम साहब का आगमन हुआ है और ये रथ यात्रा को अभी हरी झंडी दिखाएंगे, हमारा मकसद है एक एक लोग जो एक एक घर एक एक मकान और जो भी लोग बचे हुए हैं उनको सब तक बीजेपी की पहुंच होनी चाहिए और बीजेपी को उसके साथ 75 पार का नारा दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। आसान है या लक्ष्य मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल आसान है जी। हम युवा मोर्चा पूरी मेहनत से एक एक गाँव जा जाकर लोगों को बताएंगे मोदी जी के नीति के बारे में और खट्टर जी के बारे में। और किस तरीके से आप लोग इस पूरी रथ यात्रा को कामयाब करेंगे? हम हर ये जो भी चौराहा नुक्कड़ उक्कड़ हर जगह हमने अपनी रथ यात्रा पहुंचानी है और जन जन से संपर्क करना है, बड़े बूढ़े लोग जवान यंग जो भी है सभी को अपनी नीतियां बतानी है कि इस 5 साल की नीतियों में खट्टर सरकार ने क्या क्या हमें उपलब्धि दी। नीतियाँ जनता तक लोगों तक ले जाने की कोशिश है, मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में महिलाओं का योगदान क्या रहेगा, आप लोग इस रथ यात्रा में किस तरीके से योगदान देंगे? अपना समय देंगे ज़्यादा से ज़्यादा और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की हमारी कोशिश रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा महिला ही आगे आए क्योंकि जेंट्स तो आते आते हैं बट हम लेडीज़ को भी आगे लाना चाहते हैं। जाहिर तौर पर एक ऐसी संकल्प रथ यात्रा जिसके जरिए से पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच अपनी नीतियों और अपनी उन तमाम कार्यों और उपलब्धियों को लेकर के पहुंच रही है, जिसके बुनियाद पर अब की बार 75 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया है वो बीजेपी पूरा कर सके। हरियाणा से कैमरा पर्सन अरशद के साथ जब्बार खान, R9 TV।